यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग वाली पीआईएल पे आज कोर्ट में सुनवाई हुई। हमने कोर्ट से कहा कि आपके 75 साल पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लंबी चर्चा हो चुकी थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया, 125 बार संविधान बदला गया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, लेकिन जो संविधान की आत्मा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू नहीं किया गया। फिर कोर्ट ने कहा कि ऑलरेडी चूंकि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इस पर काम कर रहा है और लॉ कमीशन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, इसलिए ज़्यादा अच्छा ये होगा कि हम लोग अब जाके अपना जो डिटेल प्रेजेंटेशन है, अपने जितनी पिटीशन की कॉपी है, उसको लॉ कमीशन को हैंड ओवर करें। हमने कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड दुनिया के कई देशों में ऑलरेडी लागू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, विरासत और वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो माता पिता की देखभाल का अधिकार सबको मिलेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। देश की सभी बहन बेटियों को एक समान अधिकार तभी मिल सकता है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। तो पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि ऑलरेडी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, इसलिए अब इस पर कोर्ट में सुनवाई की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सभी जितने भी याचिकाकर्ता हैं, टोटल 7 याचिकाकर्ता हैं, मेरे साथ अभिनव बेरी हैं, अंबर जैदी हैं, निगत अब्बास हैं, फिरोज बख्त अहमद हैं, दानिश इकबाल हैं, हम सभी याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने कहा है कि अब आप जाइए लॉ कमीशन को अपना पूरा प्रेजेंटेशन दीजिए, अगर आपने कोई ड्राफ्ट बनाया है तो ड्राफ्ट भी हैंड ओवर करें। तो अब हम ऑर्डर की कॉपी लेके लॉ कमीशन के पास जाएंगे और लॉ कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अमेरिका का यूसीसी देख ले, फ्रांस का यूसीसी देख ले, ब्रिटेन का यूसीसी देख ले, सिंगापुर का यूसीसी देख ले, और सारे यूसीसी को देख के एक कॉमन सिविल कोड बनाए। हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से, इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए भारतीय नागरिक संहिता। जैसे भारतीय दंड संहिता है, भारतीय साक्ष्य संहिता है, वैसे इसका नाम भारतीय नागरिक संहिता होनी चाहिए। और इस भारतीय नागरिक संहिता में चैप्टर वाइज, इसमें एक एक करके सारे चैप्टर हो, चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 3 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 4 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 5 मेंटेनेंस एलिमनी यानी गुजारा भत्ता, चैप्टर नंबर 6 एडॉप्शन बच्चा गोद लेने का अधिकार, चैप्टर नंबर 7 भरण पोषण का अधिकार, चैप्टर नंबर 8 विरासत का अधिकार, चैप्टर नंबर 9 वसीयत का अधिकार, चैप्टर नंबर 10 माता पिता की देखभाल का अधिकार, और चैप्टर नंबर 11 हम दो हमारे दो, यानी सब के लिए हम दो हमारे दो अनिवार्य हो। हम लॉ कमीशन से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसमें आप दंड का भी प्रावधान रखिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बना और उसको न मानने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो हो सकता है बहुत लोग इसको न माने, इसलिए इसमें आप नागरिकता खत्म करने और वोटिंग राइट खत्म करने का भी प्रावधान रखिए कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मानेगा वो बहुत अच्छा, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेगा उसका वोटिंग राइट छीना जाएगा और उसकी सिटीजनशिप खत्म किया जाएगा। जब तक, मैं बार बार कह चुका हूं, जब तक वोटिंग राइट और सिटीजनशिप राइट ये दो खत्म करने का प्रावधान नहीं आएगा, तब तक न जनसंख्या नियंत्रण कानून सफल हो पाएगा, न यूनिफॉर्म सिविल कोड सफल हो पाएगा। इसलिए हम लॉ कमीशन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, इसका ड्राफ्ट बना के जल्दी से जल्दी वो सरकार को दे दे, और सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि तत्काल इसी संसद के सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट वो पास करा दें। लोकसभा में आराम से पास हो जाएगा, और राज्यसभा में, जहां तक बात है, राज्यसभा में अगर जो इसका विरोध करेगा जनता उसको देखेगी, लेकिन इसको कम से कम तत्काल इसको बिल पेश कर दिया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान की आत्मा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना भारत को सेकुलर राष्ट्र नहीं कह सकते, और यूनिफॉर्म सिविल कोड आज नहीं, हजारों साल पहले इसका प्रावधान हो चुका है। भगवान राम ने एक पति एक पत्नी का नियम लागू किया था, भगवान राम ने हम दो हमारे दो का नियम फॉलो किया था, हमारा संविधान भी यही कहता है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं करते हैं तो किस मुंह से हम बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के एम मुंशी, जो हमारे संविधान निर्माता थे, हम उनका किस मुंह से सम्मान करेंगे? अगर उनकी इच्छाओं को हम लागू नहीं कर सकते तो मुझे लगता है उनको केवल माला चढ़ाने से उनका सम्मान नहीं होगा,
इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं जितने जल्दी हो सके तत्काल ला कमीशन से ड्राफ्ट तैयार करा के उसको लोकसभा से पास कराएं, राज्यसभा में पेश करें। और हमें पूरा विश्वास है राज्यसभा में इसका कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। शादी विवाह की उम्र समान होगी, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, उनकी शादी की उम्र 9 साल चल रही है। शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शादी सबसे कम शादी का रजिस्ट्रेशन मुस्लिम बेटियों का होता है। तलाक लेने का तरीका सबका एक हो जाएगा, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म हो जाएगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। हलाला बैन हो जाएगा, इसका फायदा मुस्लिम बेटियों को होगा। मुता और मिसयार बैन हो जाएगा, इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। शरिया कोर्ट जो पूरे देश में खुली हुई है वो बैन हो जाएंगी, इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को होगा। तहर्रुस बैन हो जाएगा। तो ये जो कुरीतियां चल रही हैं, और ये जो कुरीतियां, ये भारत की कुरीतियां नहीं है, ये अरब की कुरीतियां हैं। दुर्भाग्यवश अरब की कुरीति अरब में बैन हो चुकी है, अरब की कुरीति दुनिया के कई इस्लामिक देशों में बैन हो चुकी है, लेकिन अरब की कुरीति भारत में चल रही है। इसलिए हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये सारी कुरीतियां खत्म होंगी, देश की सभी बेटियों को, हिंदू बेटी, मुस्लिम बेटी, पारसी बेटी, ईसाई बेटी, सभी बेटियों को एक समान अधिकार मिलेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बहुत जरूरी है। अब हम ला कमीशन के पास जाएंगे और सरकार से निवेदन करते हैं इसको जल्दी से जल्दी लागू करें।